देश में एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल अब दिग्गज अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक मोदी ने नेहरू की समाजवादी नीतियों को लेकर कहा है कि पंडित नेहरू का समाजवाद फर्जी था, जिसकी वजह से भारत आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ चला गया। दरअसल अशोक मोदी ने अपनी किताब इंडिया इज ब्रोकन अ पीपल बिट्रेड 1947 टू टुडे में लिखा है कि नेहरू ने जापान की आर्थिक नीतियों को न अपनाकर एक बड़ी भूल की। उन्होंने आगे कहा कि जब भारत आजाद हुआ था तो 70% लोग कृषि क्षेत्र में काम करते थे। यह कम उत्पादन वाला क्षेत्र था, तब रोजगार पैदा करना प्रमुख काम था। नेहरू ने 10 साल में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य रखा। वह समझते थे देश में शिक्षा का स्तर खराब है, कॉलेजों से निकलने वाले ग्रेजुएट लगभग किसी काम के नहीं थे। उस समय राज कपूर की आई फिल्म श्री 420 ने इस बात को काफी कुछ साफ कर दिया था। इसमें नायक बीए पास था लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। नेहरू ने नब्ज बिल्कुल सही पकड़ी थी। उनका काम कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और लेबर की खपत वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित बनाना भी एजेंडे में था। एक बार कृषि से लेबर खाली होते हैं तो उन्हें शहरी नौकरियों की जरूरत पड़ती है। प्रोफेसर मोदी जापान की नीतियों का उदाहरण देते हुए नेहरू के समाजवाद की नीति पर कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि जापान ने टेक्सटाइल मिलें और छोटे मध्यम आकार की फैक्ट्रियां लगाई थीं। खेतों से खाली होकर लेबर इनमें काम कर सकते थे। भारत को भी ठीक वही करना था, इसके लिए चीजें भी थीं। लुधियाना, सूरत, कोयम्बटूर जैसे शहरों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता था। इसके बजाय नेहरू ने भारी उद्योग को प्रोत्साहित किया। उन्हें पता था कि ये नौकरियां नहीं पैदा कर सकते, लेकिन यह मान्यता थी कि इसके कारण कुछ ऐसा होगा जिससे समृद्धि और रोजगार बनेंगे। प्राइमरी एजुकेशन को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और इसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। प्रोफेसर अशोक मोदी कहते हैं कि जापान ने यूनिवर्सिटी तब बनाना शुरू की जब वो अस्वस्थ हो गया कि उसके यहाँ के बच्चों ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी कर ली है। इसके बाद ही जापान ने यूनिवर्सिटीज बनाना शुरू की। इसके अलावा प्रोफेसर मोदी कहते हैं कि जापान ने इसके साथ साथ कृषि उत्पादकता और छोटे और मंझोले दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहित किया, जिससे रोजगार पैदा हुआ। लेकिन भारत में छोटे मध्यम उद्योगों के विकास से नेहरू ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। प्रोफेसर मोदी अपनी किताब में कहते हैं कि नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए 17 साल के कार्यकाल में कृषि की रफ्तार धीमी पड़ गई और नौकरियों की हालत बद से बदतर होती चली गई।